बार फिर से सालू वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे रेस्टोरेंट और कैफे स्टाइल हॉट चॉकलेट। इसे आपने क्रिस्पी ऑनियन सैंडविच के साथ कई बार आपने पिया होगा। उसी हॉट चॉकलेट को हम बिल्कुल कैफे स्टाइल थिक और बहुत ही टेस्टी घर पर भी बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो आइए चलते हैं कैफे स्टाइल हॉट चॉकलेट बनाने के प्रोसेस में। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास मलाईदार दूध ले लेंगे। आप इसकी जगह पे नॉर्मल दूध का भी यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम हाफ कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे विस्कर या चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से दूध में मिक्स करके गैस पर चढ़ा देंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने तक हम इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे दूध में मिल्क पाउडर अच्छी तरह से घुल जाए और कोई लम्स ना पड़े। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे, दो बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और विस्कर की हेल्प से ही इसको हम अच्छी तरह से गर्म दूध के साथ मिक्स करेंगे। दूध अच्छा गर्म है, जिससे कोको पाउडर दूध के साथ अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके 1 से 2 मिनट तक इसे हम फेंट लेंगे। यहाँ आप इलेक्ट्रिक विस्कर का भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हैंड विस्कर से ही इस तरह से फेंटते हुए कॉफी की तरह हल्का झाग बना लेंगे। हॉट चॉकलेट सर्व करने के लिए एक शीशे का ग्लास ले लेंगे। आप चाहें तो कोई भी ग्लास में सर्व कर सकते हैं। ग्लास को 1 से 2 चम्मच चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये बाहर से भी बहुत ही सुंदर लगे देखने में। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें गर्मा गर्म तैयार किया हुआ हॉट चॉकलेट डाल देंगे। इसे थोड़े ऊपर से डालेंगे, जिससे हमारी झाग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाए। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, जिससे हमारा हॉट चॉकलेट बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। इसमें 2 से 3 चम्मच व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे। जी हाँ, व्हिप्ड क्रीम से हॉट चॉकलेट का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी होगा। अब इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट डाल देंगे। अब लास्ट में अपनी मनपसंद चॉकलेट और चॉकलेट वेफर रोल के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसका क्रीमी टेक्सचर देखिए, लग रहा है ना कैफे और रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसे आप घर पर जरूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस आलू वेज किचन के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कैफे स्टाइल हॉट चॉकलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।